तो आते ही यहाँ पर रौनक मेला लगा दिया, डांस हो रहा है, चाय चल रही है। मैं तो सर दो तीन दिन पहले आया था, लेकिन आज ये सारे खुशी, अभी मैं खान साहब से मिल के निकला हूँ। अच्छा, तो ये वही इसकी खुशी है। आपकी खान साहब से मुलाकात, अभी मेरी मुलाकात, अपना थोड़ा तारुफ कराइए। मैं एक आदना कारकुन इमरान खान का वर्कर हूँ और एक खुददार पाकिस्तान के नजरिए के लिए 12 साल से काम कर रहा हूँ इमरान खान के साथ। और मैं ओहदेदार हूं, ओहदेदार पे लाल पीटीआई में नहीं, लेकिन मैं यूथ का चेयरमैन हूं फोरम के। अच्छा, ये आपका जनाब, ये आपका फ्लैक्स है, उम्मीदवार बड़ा हल्का NA8 बाजोड़, ठीक है। रेहान जेब खान साहब है जी, खौफ के बुत तोड़ दो, टूट गए, टूट गए, और इंशाल्लाह जो कुछ रह गया उसका भी इंशाल्लाह हम खात्मा करेंगे। अच्छा, ये सर को आगे ले जाओ, कह रहे थे बाहर आपके पास लोग नहीं। अच्छा, ये अभी यहाँ पर हम आए हैं तो बड़ा डांस वांस चल रहा था, यहाँ गिरफ्तारी का खदशा है, लोग डांस कर रहे हैं। वो आते ही नहीं है, हम तो सवाल करेंगे भाई आओ हमें गिरफ्तार करो। अच्छा, रात को हम आ गए, हमने कहा आगे गिरफ्तार कर लो, और वो सारे फिर भाग गए। अच्छा, तो सर को फिर बता देना, देख लिया। अच्छा, रात आप थे जब ये पुलिस आई थी? पुलिस आई थी और फिर भाग गए। हमने कहा जी पुलिस वाले हमें गिरफ्तार करो, वो राना मुचल उधर से भूख मार रहे कि भाई खान साहब अंदर वो लोगों को पैरा करके और डर रहे। खान साहब के मैं आज देख रहा था, कोई खौफ नहीं था, उनको पता भी नहीं है कि कौन क्या कर रहे हैं, पता भी नहीं। वो ये कह रहे हैं कि मुल्क को हम ही नहीं ठीक करना, ये लोग चले जाएंगे। आज तो ख्वाजा आसिफ ने खुद तस्लीम करे कि मुल्क डिफॉल्ट कर गया, तो मस्जिद क्या बच गया मेरे भाई। तो हमने मुल्क की खातिर सोचना है, और ये इम्पोर्टेड हुकूमत उनकी जो सहूलत कार है उनसे भी दरख्वास्त करें कि आज मुल्क के हालात ऐसे हैं कि लोग लाइनों में खड़े हैं, लोगों को आटा नहीं मिल रहे, गरीब लोग हैं, दयालेदार तब क्या मार्केट में जाके लोगों से खुदकशियाँ कर रहे हैं। और उनका सबसे बड़ा मसला क्या है वो ये है कि इमरान खान को किस तरह गिराया जाए, इमरान खान को किस तरह गिरफ्तार किया जाए। तो इसके लिए हम निकले, इमरान खान के साथ किसी माए का लाल भी हाथ नहीं लगा सकता, तब तक हम यहाँ बैठे, पुलिस वाले आएंगे, हमारे लाशों के ऊपर से गुजरेंगे, तब तक खान तक पहुँचेंगे।